वेलकम टू मोटर व्यूज और आज जो हम डिस्कस करेंगे होंडा हॉर्नेट 160R BS6 की लॉन्चिंग डिटेल। सारी डिटेल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक की मिल जाए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके क्वेश्चन है बाइक के रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। होंडा हॉर्नेट 160R BS6 के अंडर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे इस बाइक में, इस बाइक का प्राइस कितना रहेगा और ये बाइक लॉन्च कब होगा, तो जरूर आप इस रिव्यू को एंड तक देखिए कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक की मिल जाए। इस बाइक की जो स्पेसिफिकेशन है, इंजन आपको 162.7 सीसी का मिल जाएगा। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 स्पीड गियर मिलते हैं। सीट हाइट इस बाइक की 790 mm की देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 164 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। वेट इस बाइक का 140 kg का वेट देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। डिस्क का साइज आपको फ्रंट में 276 mm सिंगल डिस्क रहेगा। रियर डिस्क का साइज आपको 220 mm सिंगल डिस्क मिल जाएगा। टायर का साइज आपको फ्रंट में 100/80/17 इंच का टायर देखने को मिलेगा। रियर टायर आपको 140/70/17 इंच का टायर मिल जाएगा। सस्पेंशन में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक रहेंगे। रियर सस्पेंशन में मोनोशॉक मिल जाएगा। तो फीचर्स क्या कुछ देखने को मिलते हैं इस बाइक में ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको कम्प्लीटली LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। फुली डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाएगा इस बाइक में। कैसा परफॉर्म करता है ये बाइक ये भी मैं आपको बताता हूँ। टॉप स्पीड जो है बाइक जनरेट करेगा 115 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड मिल जाएगी। एवरेज जो ये फ्यूल इकोनॉमी जनरेट करेगा सिटी में ये बाइक आपको 45 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। हाईवे पे ये बाइक 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। तो BS6 के अंडर क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस बाइक में ये भी मैं आपको बताता हूं। इसमें अब आपको कैटलिट कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। BS4 में कार्बोरेटर सिस्टम देखने को मिलता था बट BS6 के अंडर अब इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम देखने को मिल जाएगा। पावर और टॉर्क सेम रहेगी, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलते। तो जो सेम आपको पावर देखने को मिलती थी BS4 में 15 BHP की, BS6 के अंडर अब इसमें आपको सेम पावर देखने को मिल जाएगी। टॉर्क जो BS4 में 14.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता था BS6 में भी आपको सेम टॉर्क देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी देखने को मिल जाएगा। BS4 में एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी बट BS6 में अब इसमें आपको ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। अब इसमें आपको इंजन कूल स्विच भी देखने को मिल जाएगा, इंजन काउल भी देखने को मिल जाएगा इसमें। इसमें आपको न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाएंगे इस बाइक में। इस बाइक की जब आप 90 की स्पीड पे इस बाइक को राइड करते थे आपको इसमें थोड़े से वाइब्रेशंस फील होते थे। कंपनी ने उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए, अब इसमें आपको ऐसे कोई भी वाइब्रेशंस नहीं फील होंगे। इसका प्राइस कितना रहने वाला है ये भी मैं आपको बता दूं। BS4 में इसका जो प्राइस रहा 92,000 रुपीज़, BS6 के अंडर अब इसमें आपको जो प्राइस है 10,000 से लेके 12,000 रुपीज़ पड़ गया। अब इसका प्राइस आपको 1,02,000 से लेके 1,04,000 के रुपीज़ के हिसाब से पड़ जाएगा। इसका लॉन्च इंडिया में कब होगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। इसका लॉन्च आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा 2020 में। फिलहाल जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं या जो भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।